सो हाय गाइस, लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिन्हों लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी जल्दी जाकर कर दीजिए। बट मैं अभी के लिए ये क्या देख रहा हूँ भाई, एक प्लेयर अभी के लिए यहाँ पर जो फिलहाल जो बैन है वो होता है यहाँ पर जरूर नजर आएगा। बट चलिए, गमला प्लीज, सेकंड से कम का समय यहाँ पर रहेगा शेष भट्ट देवी। और सज्जनों, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाकर करिए। और लो, जैसे कि लोग कह रहे कि भाई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को दिखा दो, भाई जी को दिखा दो, बिल्कुल मेरे भाई निंजा बॉय और उनके इन साथियों को यहाँ पर जो बिल्कुल दिखाते हैं। और निंजा बॉय जैसे कि अब ऑलरेडी आगे जाने के लिए देखिए हमको जो तैयार वो दिखाई दे ही रहे, बट आर्कलेन को मालूम है कि ज्यादा जल्दबाजी करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो अपना फिनिश या ऐसे में यहाँ पर जो है ना दे बैठे। ऑलरेडी अगर बात करें टीपीपी एंगल्स का इस्तेमाल तो बहुत बखूबी तरीके से करते नजर आई रहे थे, एक 1-for-1 ट्रेड यहां पर लिया जरूर है। बट एनवी के बीस्ट की बात करेंगे, वो टीम एचआरवी के राहुल को इस समय पिन डाउन करते हुए नजर आ जाने वाले हैं। बट काइलो और सिंप पिछले मुकाबले में बहुत ज्यादा शानदार तरीके से काइलो ने यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो करके दिखाया था, बट क्या दोबारा से उसी चीज को दोहरा पाते हैं, क्या रिपीट कर पाते हैं? चांसेस जरूर देखिए हमको थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, कम जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है ये कार। और आर्कलिन की बात करें, वो अचानक से बाहर निकल के सरप्राइज करेंगे, वो एक नॉक प्लेयर को कंफर्म करने के चक्कर में ना मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा उतावले यहाँ पर हो गए, जिसके चलते यहाँ पर सिंप के ऊपर फोकस ही यहाँ पर नहीं करा। और ध्यान रखना पड़ेगा निंजा बॉय की स्लग ऑलरेडी एफके हैं, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि स्लग जब ऑफलाइन है